हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी फिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड के ईएमआई का पेमेंट किसी महीने नहीं हो पाता है तो ऐसे में क्या होगा। मान लीजिए कि आपने अपने बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड से ईएमआई करा रखा है, लेकिन किसी महीने ऐसा हुआ कि आपके अकाउंट में इतने बैलेंस भी नहीं है कि आपके ईएमआई का पेमेंट हो सके, और ऐसे में आपका जो ईएमआई का पेमेंट है वो फेल हो गया, तो फिर आपसे ईसीएस रिटर्न या फिर जिसको हम नैश रिटर्न भी कहते हैं चार्ज लिया जाएगा, ईसीएस रिटर्न चार्ज लिया जाएगा। अब ये ईसीएस रिटर्न चार्ज या फिर नैश रिटर्न चार्ज क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ईसीएस रिटर्न या फिर नैश रिटर्न क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। तो जब हम बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड बनवाते हैं और हमारा कार्ड बन जाता है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए या फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल में लाने के लिए हमें ई मैंडेट रजिस्टर करना पड़ता है, और इसी ई मैंडेट को समझ लीजिए कि हम ईसीएस मैंडेट या फिर नैश मैंडेट कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है या फिर हमें क्यों करना पड़ता है, तो इसलिए करना पड़ता है कि हम जो बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड लिए हैं, अगर उस इंस्टा ईएमआई कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो फिर ईएमआई का पेमेंट कैसे होगा। तो ईएमआई का पेमेंट वो आपके बैंक अकाउंट से ही होना है, तो इसीलिए हमें ई मैंडेट रजिस्टर करना पड़ता है। वैसे इसको चाहे तो हम ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन जो बजाज के स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी विजिट करके करा सकते हैं, जैसे कि अपनी डॉक्यूमेंट्स और कैंसिल्ड चेक दे करके हम ईसीएस मैंडेट, नैश मैंडेट करा सकते हैं। तो जब हमारा ईसीएस मैंडेट या फिर नैश मैंडेट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है, तो उसके बाद हम अपने बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम अपने बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो जो ईएमआई का पेमेंट होगा वो हमारे उसी अकाउंट से कट होगा, डेबिट होगा, जिस अकाउंट से हमने ईसीएस मैंडेट या फिर नैश मैंडेट रजिस्टर करा रखा है। तो ईसीएस मैंडेट या फिर नैश मैंडेट या फिर ई मैंडेट जो होता है वो इसीलिए होता है कि अगर हमें रिकरिंग पेमेंट करना हो, मान लीजिए कि ईएमआई का पेमेंट जो कि एक तरह का रिकरिंग पेमेंट होता है, मतलब कि हर महीने की एक फिक्स तारीख को हमें पेमेंट करना है, तो इसीलिए ये ई मैंडेट या फिर जो है इसको ईसीएस मैंडेट या फिर नैश मैंडेट कहिए, ये हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे अकाउंट से वो पेमेंट ऑटोमेटिकली ही डेबिट हो जाए, हमें जो है मैनुअली पेमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे क्या होगा कि एरर वगैरह के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब कि अगर हम जब भूल जाते हैं, मान लीजिए हमसे गलती हो गई, किसी महीने हम ईएमआई का पेमेंट करना भूल गए, तो अगर हमने ये रजिस्टर कर रखा है तो पेमेंट अपने आप ही हो जाएगा, तो ऐसे में हमसे गलती नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे अकाउंट में इनसफिशियंट बैलेंस है, मतलब बैलेंस ही कम है कि ईएमआई का पेमेंट हो सके, और ऐसे में रिटर्न हो जाता है जो ईएमआई का पेमेंट है, जो ईएमआई का पेमेंट है वो फेल हो जाता है, तो इसको कहते हैं ईसीएस या फिर नैश रिटर्न, और ऐसे में हमसे चार्ज लिया जाता है। अब ये चार्ज कितना होता है, तो ये चार्ज डिसाइड किया जाता है आपके बैंक के ज़रिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बैंक है, आपने किस बैंक से ई मैंडेट रजिस्टर कर रखा है, ईसीएस रजिस्टर कर रखा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट से ये ईसीएस मैंडेट या फिर नैश मैंडेट रजिस्टर कर रखा है। वैसे ईसीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, और नैश की जो फुल फॉर्म होती है वो है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो आइए मैं इस चार्ज को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट से ये ईसीएस या फिर नैश मैंडेट रजिस्टर कर रखा है, तो ऐसे में अगर मेरे ईएमआई का पेमेंट किसी महीने नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा कि हमसे चार्ज लिया जाएगा। ये चार्ज कैसे और कितना होगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर ईसीएस रिटर्न हुआ तो महीने में अगर पहली बार रिटर्न हो रहा है तो ऐसे में हमें 450 रुपये का चार्ज देना होगा प्लस जीएसटी, लेकिन सीनियर सिटीज़न के लिए चार्ज 400 रुपये का होगा प्लस जीएसटी। और दूसरी बार अगर उसी महीने में रिटर्न हो जाता है तो फिर हमसे 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा, और ये सीनियर सिटीज़न के लिए 450 रुपये चार्ज होगा प्लस जीएसटी। और इसके बाद अगर तीसरी बार रिटर्न होता है या फिर तीसरी बार के बाद भी रिटर्न होता है उसी महीने में, तो 550 रुपये चार्ज लिया जाएगा प्लस जीएसटी, और सीनियर सिटीज़न के लिए चार्ज होगा 500 रुपये प्लस जीएसटी। तो ये तो मैंने एचडीएफसी बैंक का बताया है। वैसे आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में भी हो सकता है और आप जो है उस बैंक अकाउंट से ईसीएस या फिर नैश मैंडेट रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसका चार्ज आप चेक कर सकते हैं अपने बैंक की वेबसाइट पर जा करके, या फिर आप अपने बैंक से कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि ईसीएस रिटर्न का क्या चार्ज होता है, तो वो भी आपको बता देंगे। तो ये जो चार्ज होता है डिपेंड करता है आपके बैंक पे कि आपका कौन सा बैंक है, किस बैंक अकाउंट से आप जो ईसीएस या फिर नैश मैंडेट रजिस्टर कर रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये ईसीएस रिटर्न चार्ज रिफंडेबल होता है, कि हमसे गलती हो गई, हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं था कि ईएमआई का पेमेंट हो सके, ऐसे में ईएमआई पेमेंट फेल हो गया और हमसे जो चार्ज ले लिया गया, तो ये क्या रिफंड होगा? तो नहीं, ये रिफंड नहीं हो सकता है।
अच्छा हम ईसीएस रिटर्न चार्ज से कैसे बच सकते हैं? तो इससे बचना बहुत आसान है, बस आपको ये कोशिश करना है कि जब आपके ईएमआई के पेमेंट का टाइम नज़दीक आ जाए तो उस टाइम पे आप अपने अकाउंट में इतना बैलेंस मेंटेन करके रखिए कि आपके ईएमआई का पेमेंट हो सके। तो दोस्तों ये थी बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड के ईसीएस रिटर्न या फिर नैश रिटर्न चार्ज के बारे में जानकारी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।